जो भी बाहर है अंदर आ जाओ। फैली फैली कितना लोग आइए आइए थोड़ा एक फोटो ले लो। बरकाल में अगर तरह से मीडिया कम आता है आप लोग एक फोटो ले लो। हमेशा कंप्लेन होता है कि बुमागा निमंत्रण नहीं देता है। देख लो फैली फैली सब आ जाओ सब आ जाओ। माननीय पिपरामाथा प्रेसिडेंट विजय कुमार राठौर, चेयरमैन टीटीएडीसी जगदीश देव वर्मा, डिप्टी सीए मणिमेश देव वर्मा, हम लोग का बुरई बदल से हमारा सब भूमा बुरई बदल का सपना प्रीति लता मणिहार बहुत लोग यहाँ में है। वहां में रविंद्र देव वर्मा जूनियर, ऋषिकेतु रंजीत देव वर्मा, गुरुपोत देव वर्मा और किसको हमने भूला, किसी को भूला हमने? हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोनी देव वर्मा सबको मुबारक। सबसे पहले बोलना चाहता है आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यहां में सम्मेलन में दुभागरा कुछ चीज बोलने आया है और आप लोग जो दुभागरा बोलेगा आज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये जो दुभागरा आज बोलने वाला है आपके दिल के अंदर रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे कुछ खबर मिला है कि इस एरिया में पिपरा माथा के नाम में अगर कोई लोग कॉन्ट्रैक्टर गिरी कर रहा है, पिपरा माथा के नाम में अगर कोई लोग ओएनजीसी को और अपना पिपरासा को अलग करके काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है पिपरा माथा के नाम में, हमने ये भी सुना है कि कोई लोग आज इस प्रोग्राम में नहीं आकर बीजेपी का संग बात कर रहा है, मुबादरा सब पिपरासा के सामने एक बात के लिए बोलना चाहता है, जिसको बिजनेस करना है, कॉन्ट्रैक्टर गिरी करना है, दलाली करना है, वो गेट बाहर है, आप लोग पार्टी छोड़ के चला जाओ। दुभागरा को ऐसा लोग से कुछ लेना देना नहीं। ये दलाली पिपरा माथा में नहीं रहेगा। दुभागरा ने अपना खून दिया है, पसीना दिया है, हम अपना पिपरा साको धोखा नहीं दे सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है
अगर आपको क्लब चलाकर बिजनेस करना है तो टिपरा मोथा में आपका जगह नहीं है, आप जाकर बीजेपी में बैठ जाओ, सिपे में बैठ जाओ, टिपरा मोथा में दुबागरा आपको रहने नहीं देगा। दुबागरा का एक बहुत क्लियर मैसेज है यहां में सबको, ये पार्टी में अगर किसी ने पोस्ट के लिए फाइट किया, पद के लिए फाइट किया, कॉन्ट्रैक्टर गिरी के लिए फाइट किया तो आप अलग होके काम करो। पिपरा मोथा में आपको अगर फाइट करना है तो बुजुमबारा के लिए फाइट करना है, ग्रेटर पिपरा लैंड के लिए फाइट करना है आपको। ये मेरा क्लियर वार्निंग है कि अगर किसी ने हमारा नाम बेचने का कोशिश किया तो आप जाकर दूसरे पार्टी में बैठो, आप लोग नहीं जीतेगा, क्योंकि बुकुंबारा तिपरा का तोहफा दुबागरा के साथ है, अपना हार के साथ है। कुछ लीडर लोग, बहुत कुछ लीडर लोग सिर्फ अपने बारे सोचता है, कोई एमएलए बनने के लिए सोचता है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के लिए सोचता है, कोई पद चाहता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए चाहता है। 70 साल से बहुत ब्लॉक प्रेसिडेंट मिला है, 70 साल में बहुत एमएलए मिला है, 70 साल में बहुत प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हमारा तिपरसा बना है, मंत्री भी बना है, लेकिन तिपरसा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज एक मौका है हमारे पास कि अगर हमने थंसा रखा, अगर हमने अपना बारे नहीं सोचा, अगर हमने लाल पट्टी के बारे नहीं सोचा, अगर पोस्ट के बारे नहीं सोचा, सिर्फ दफा के बारे सोचा, अगर एक साल तक हमने अपने स्वार्थ को पीछे रखा और दफा और पीपरासा के बारे पहले बार सोचा तो हमको तो कुछ मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके लिए मुकाबला थंसा चाहता है। बहुत लोग हमारा थंसा को तोड़ने का कोशिश करता है, कोई जमतिया, देवपरमा, रंगखोल, रियांग, काइपेंग, रुपिनी, मौसम, त्रिपुरा, ये करके हमारा थंसा को तोड़, कोई लोग बीजेपी, मोथा, आईपीएसटी, सीपीएम, कांग्रेस करके थंसा तोड़ता है। लेकिन आप एक बार अगरतला जाके देख के आओ, आप एक बार बाहर जाके देख के आओ, कोई आपको देवर्मा नहीं बोलेगा, कोई आपको जमतिया नहीं बोलेगा, कोई आपको कल्पेन या रंगोल या ब्लू नहीं बोलेगा, सब आपको बुकुंदारा बोलता है। लेकिन हम लोग बुकुंदारा लोग तो किसी ने, कुछ लीडर ने रंग देकर हमारा थंसा को तोड़ा, थंसा टूटा देश हारा, थंसा टूटा हार चला गया, थंसा वापस लाओ ग्रेटर तिपरा लैंड हम लोग लेके आएगा। दुबागरा नेता नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम अपना तिपरसा को झूठ नहीं बोल सकता है। इसके लिए दुबागरा ने हमेशा बोला थंसा, और आसान नहीं है। एबीसी इलेक्शन में हम लोग जीता, लेकिन आज भी आप देख लो, एक साल हो गया है, यूपी में इलेक्शन हो गया है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, गोवा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, अगरतला में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, अम्बासा में हुआ, लेकिन हमारा विलेज काउंसिल में इलेक्शन नहीं। क्यों? बहुत लोग डरता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कल हुआ तो तिपरा मोथा अनकॉन्टेस्टेड जीतेगा। इसके लिए इन लोगों को लगता था कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, आंचलिक पार्टी तो जोर करेगा, आंचलिक पार्टी क्या कर सकता है, कभी बीजेपी का सर अलायंस करेगा,
या कांग्रेस के साथ, या तृणमूल के साथ, या सीपीएम के साथ, लेकिन पिपरा मोथा सीपीएम का खिलाफ लड़ा, कांग्रेस का खिलाफ लड़ा, बीजेपी का खिलाफ लड़ा एबीसी में, और पूरा देश ने देखा, पूरा इंडिया ने देखा कि छोटा सा अंचलित पार्टी जिसमें सिर्फ मुगलू बगा लोग हैं, पिपरा सा लोग हैं, उसने दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी को हरा दिया, उसने सीपीएम को हराया जो 15 साल तक एबीसी में शासन कर रहा था, उसने उस पार्टी को हराया जिसका प्रेसिडेंट डुबाग्रा कांग्रेस में जब था, मैं जब डुबाग्रा को हटाया था, डुबाग्रा ने बोला था कि आप हमारा दोपहर के सामने अन्याय कर रहा है, हम कांग्रेस को छोड़ रहा है, लेकिन एक दिन कांग्रेस अपना गलती मानेगा कि डुबाग्रा को आपने निकाला। जब CAA NRC हुआ, हमने बोला था कांग्रेस को कि आप गलती कर रहा है, हम टिपरा साने आपके साथ, हम आपके साथ हैं, आप हमको धोखा दे रहा है, लेकिन आज वही कांग्रेस हारा एबीसी। अपने ऊपर विश्वास करो, टिपरा सा को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास है, अपना ऊपर भरोसा है, तो मुरादरा बोल रहा है हम लोग जीते, लेकिन 2-3 लीडर्स है जो पिपरा सा का ही दुश्मन। उस दिन मैंने फाउंडेशन डे में एक चीज बोला था, सब लोग बोलता है कि जलियांवाला बाग, पूरे इंडिया में बोलता है जलियांवाला बाग में अंग्रेज ने हिंदुस्तान के ऊपर गोली मारा, गलत बात, कोई अंग्रेजी ने हिंदुस्तान के ऊपर गोली नहीं मारा जलियांवाला बाग में, ऑर्डर अंग्रेजी ने दिया था, अंग्रेज ने, जनरल डायर ने, गोली को अपना ही हिंदुस्तान का सिपाही ने हिंदुस्तान के ऊपर मारा हिंदुस्तान के। आज जब बहुत लोग बोलता है पिपरा लैंड हो देना, ग्रेटर पिपरा लैंड हो देना, ऑर्डर किसका है, किसी और का, लेकिन बोलता कौन है, हम लोग का पिपरा सा का नेता लोग, क्यों उनको क्या चाहिए, उनको पिपरा लैंड नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन उनको पहले रंग चाहिए, उनको पोस्ट चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको लाल बत्ती चाहिए। अरे अगर आप अपना दोफा के बारे प्यार नहीं करता है, आपके दोफा के बारे नहीं सोचता है, और आप ऑर्डर लेता है जो आपको 70 साल से नीचे रखा है, तो हमारा दोफा का क्या होगा। बरकठाल में बुगाग्रा आपको बोलना चाहता है कि यहां में भी 2-3 लीडर ऐसा है, ऐसा लीडर को आप समझाओ, अगर जाति नहीं तो पार्टी करके क्या करेगा आप, जाति के बारे सोचो, नेक्स्ट जनरेशन के बारे, भविष्य के बारे सोचो, अगर भविष्य नहीं होगा तो पार्टी करके क्या करेगा, राजनीति करके क्या करेगा। आज मैं प्रद्युत विक्रम माणिक्य, मुझे बीजेपी ने ऑफर नहीं किया, मुझे कांग्रेस, मैंने कांग्रेस में मैं प्रेसिडेंट का मेरे पद नहीं छोड़ा, एबीसी में मैं एमबीसी बन के बैठा हूं, मैंने कोई पोस्ट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मुझे अपना पिपरा सा के बारे चिंता है। आज मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आपका प्यार है, हमारा भूमा का प्यार है, आपका विश्वास है। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो गवर्नमेंट का संभाग करके न्यू मैन वापस ले जाता,
वापस ले लेता, एमपी का पोस्ट ले लेता, लेकिन मुबादला ने नहीं किया है कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इस बार अगर हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारा फ्यूचर खत्म, हमारा भविष्य खत्म। 2026 में डिलिमिटेशन होगा, इस हाल में हम लोग 90% था, 80% हुआ, 70% हुआ, 60% हुआ, आज 30% है। और आज फिर से मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो 5 साल 10 साल के बाद पिपासा का कुछ भविष्य नहीं रहेगा। इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं, ये फाइट, ये वन लास्ट फाइट अपने लिए नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिपासा को सम्मान देना है, मुझे पिपासा को अधिकार देना है। और ये जो नेशनल पार्टी लोग राम देख के न्यूज पेपर में छाप के बोलता है अलायंस होगा, मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आप लोग भी जाके सबको बोलो, हिंदुस्तान में इतना नोट नहीं छपा है जो मुबादला को खरीद सकता है। आप लोग से मैं 2-3 चीज और बात करना चाहता हूं, बहुत लोग हम लोग का खांसा तोड़ेगा, ये लोग आगे बोलेगा आप सीएम बन जाओ, कोई बोलेगा आप एमपी बन जाओ, ये सब लॉलीपॉप है। दशरथ एमपी सीएम था, कुछ किया? हमारा जितेंद्र चौधरी, मैं बहुत आदर करता हूं, वो भी एमपी था, मेरा पिताजी भी था, कुछ कर सका? एनसी के पास में रेवेन्यू मिनिस्टर है, लेकिन कुछ कर सक रहे हैं नहीं। एक व्यक्ति को, एक आदमी को पद देने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मुबादला हमेशा बोलता है, ये जो प्रॉब्लम है ये वंशा पिपरासा का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने बनाया और दिल्ली को ही इसको सुधारना पड़ेगा। इसके लिए मुबादला बोल रहा है कि अब बात अगरतला में नहीं होगा, ये बात दिल्ली में है। यहां में मीडिया है और कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल मीडिया भी है, बहुत विद्वान है, हम लोग का बुकिंग बना से बहुत विद्वान है, हम मुबादला से भी बहुत ज्यादा समझदार है, एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, अगरतला में बैठकर लिखते रहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब कोरोना हुआ पिपरा मौसा ने बहुत लोगों को हेल्प किया, मैंने खुद अपने पैसे से बहुत लोगों को हेल्प किया, उसमें मुसलमान था, उसमें बंगाली था, उसमें पिपरासा था, उसमें हिंदू था, उसमें मुसलमान था, हमने कभी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया। मोथा पावर में आया तो सबने बोला कि एबीसी में वंशा सुरक्षित नहीं है, 1 साल होने वाला है, हमारा एबीसी में कोई भी बंगाली के ऊपर अत्याचार या आक्रमण नहीं हुआ, जो भी हो रहा है अगरतला में हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरठ मठ में हो रहा है, जो भी हो रहा है पानी सागर में हो रहा है, जो भी हो रहा है उदयपुर में हो रहा है, हमारे एबीसी एरिया में कोई भी बंगाली के ऊपर अटैक नहीं हुआ। लेकिन तभी भी मीडिया लिखेगा मुबादला कम्युनल। जिस परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को आदर किया, जिस परिवार ने रविंद्रनाथ टैगोर को महाराजा बी विक्रम ने सबसे पहले सम्मानित किया भारत भास्कर देकर, आज उसी परिवार का सदस्य के ऊपर कहा जाता है कि मुबादला कम्युनल है, वंशा के खिलाफ। मैं मीडिया को बोलना चाहता हूं, आज तक मैंने कुछ वंश बीमारी के खिलाफ नहीं बोला, मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला, मैं सबको प्यार करता हूं, लेकिन अगर मैंने अपना दुगुंबारा पिपरासा का अधिकार के बारे कुछ बोला तो मैंने किसी और का अधिकार नहीं छीना है।
अगर मैंने ग्रेटर पीपल लैंड डिमांड किया है तो मैंने किसी और का जमीन नहीं छीना है। आज अगर उत्तराखंड को राज्य मिल सकता है, अगर झारखंड को मिल सकता है, तेलंगाना को मिल सकता है, अगर आज दार्जिलिंग डिमांड कर सकता है, अगर नागालैंड डिमांड कर सकता है, मेघालय को मिल सकता है, तो जब पिपरासा डिमांड करता है तो हमको क्यों देशद्रोही बोला जाता है? हिंदुस्तान का संविधान के अंदर लिखा है कि ये हमारा अधिकार है, हम संविधान के अंदर से ये मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो बहुत विद्वान है, कहां है ये लोग, कहां था ये लोग जब हमारा भू को हटाया गया, डुंगूर से चौबत्ते को हटाया गया, कहां था ये लोग जब कंचनपुर में हमारा भू को बिना खाना देकर रास्ते में रोक के रखा था, उबल गया। ये लोग जो थमसा तोड़ना चाहता है रियांग जबत्या के वर्मा त्रिपुरा में, कहा था जब मुबादला गया अमित शाह से बात करके आज ब्रू को त्रिपुरा में रखा जा रहा है, कहा था? ये लोग जो बोलता है अपने ही त्रिपुरा से लोग बोलता है त्रिपुरलैंड होवेगा, कहा था ये लोग जब कंचनपुर में बोला गया, एक मंच है जो कंचनपुर में बोल रहा था कि प्रत्येक विक्रम मणिपुर को कंचनपुर के अंदर आने नहीं देगा, गरा कर देगा, कहां का ये पिपासा लोग? मैं आपको बोल रहा हूं, कंचनपुर कंचन प्रभा देवी के नाम से बोला गया है, मैं कंचन प्रभा देवी का नाती हूं, और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कंचनपुर में मैं जाकर मैं अपने पोते के पैसे से कंचन प्रभा देवी का मूर्ति बनाकर कंचनपुर के दूर पर रखूंगा। ये इमोशन है, ये दिल का बात है, मैं जाऊंगा, और अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के देखो, कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के देखो। हमने इस देश के लिए क्या नहीं किया, हमारे पिपरा सा ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, क्या समझता है? आने वाला है इस इलेक्शन में, मिलिशकॉन्स इलेक्शन में, आप लोग पिपरा माता को वोट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी नहीं? बहुत लोग बोल रहे हैं विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं होने लगा, एक लीडर ने बोला, ये सच बात है, विलेज काउंसिल इलेक्शन है तो हम लोग होने नहीं देगा, और विलेज काउंसिल इलेक्शन अगर हमने किया पैसा नहीं भेजा तो पिपरासा लोग तो गरीब है, पैसा नहीं मिलेगा तो भर के बीजेपी को वोट कर देगा, क्योंकि राम नहीं मिलेगा तो पिपरासा लोग तो गरीब है, राम देखे बीजेपी को वोट करेगा। उस लीडर को मैं बोलना चाहता हूं, पिपरासा लोग गरीब हो सकते हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, दस ग्यारह महीने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, अगर फंसा रहा, अगर अपना साथ बुरी बदल रहा, अगर मेरे साथ घुमा रहा, आपका आशीर्वाद रहा, वैद्य रहा, मथा रहा, पिपरासा एक रहा, मैं आपको बोल रहा हूं इतिहास बनाऊंगा, त्रिपुरा में इतिहास बनाऊंगा, लिख के रखते ना, नेक्स्ट इलेक्शन में अगर इन्होंने हमारा डिमांड राइटिंग में नहीं माना या कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन नहीं दिया, मुबादला दोनों आईना में, जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहूंगा, जिंदगी में
जिंदगी में अपना जमीन के लिए एक ना एक बार तो आपको फाइट करना पड़ेगा, अपना परिवार को बचाने के लिए एक ना एक बार तो फाइट करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलता है ये कैसा राजा है, ये कैसा मुकाबला है, ये तो गांव का मुकाबला है, ये तो जंगल का मुकाबला है। लेकिन ये लोग जो अगर तला में बैठकर हमको बोलता है ये तो बी विक्रम का नाती नहीं है, ये किरण विक्रम का नाती नहीं है, ये तो जंगल में रहता है, पहाड़ में रहता है, ये तो जंगली राजा है। मेरा परिवार पहाड़ में रहता है, आप लोग मेरा परिवार है। और जब आप लोग मुझे प्यार करते हो, जब आप मुझे हिम्मत देते हो, जब आपका खंसा रहता है, तब बुबाकरा के ऊपर हौसला रहता है। मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं दिल्ली जाकर दोहा के लिए बात करूंगा, अपने बारे में बात नहीं करूंगा। यहां में और एक बात मैंने सुना है कि कौन जीसी आपके गांव में घर में जाकर बम ब्लास्ट कर रहा है, डायनामाइट लगा रहा है। जब तक आप लोग का अनुमति नहीं होगा, जब तक पिपरासा अपना कानून में अनुमति नहीं देगा, कोई भी आपका परमिशन का बिना यहां में कुछ नहीं कर सकता। पहले आप लोग अनुमति दो, पहले ये लोग परमिशन लेगा, उसके बाद काम होगा। आने वाले दिन में कौन किसी का लीडर लोग आएगा, ऑफिशियल्स लोग आएगा, मैं सबके सामने उनको बोलूंगा पहले आप बताओ नेता को रुपया देने से कुछ नहीं होगा, पहले आप बताओ हम लोग का पिपरासा का कानी में आप क्या करेगा, स्कूल खोलेगा, आप लोग हॉस्पिटल में कुछ दवाई देगा, नौकरी देगा, क्या देगा? पहले राइटिंग में दो, कागज में दो, बुक्स में से कुछ नहीं होगा, राइटिंग में दो। हम गभा के सामने पिपरासा के सामने दिखाएगा, अगर पिपरासा बोलेगा हाँ तो हाँ, अगर पिपरासा बोलेगा ना तो ना, लेकिन ये चॉइस आपका है, ये चॉइस दिल्ली में बैठकर किसी का नहीं है, ये आपका हाल है, ये आपका जमीन है। अगर यहां में कुछ होगा तो परमिशन आपसे मांगा जाएगा, कोई हमें पहले नहीं बैठकर निकल नहीं देगा। टाइम बदलेगा, टाइम बदलेगा। और जो अनिमेश ने बोला आज एबीसी में आकर हमने हॉस्पिटल का लिए खुद किया है कुछ, अब पानी का विषय है। लेकिन जब सरकार रंग नहीं देता है काम करने के लिए तो हम लोग क्या करें? लेकिन मैंने संकल्प लिया कि एबीसी में अनिमेश आपने बोला पुलिस, अगर हम लोग का अपना शासन हुआ, आप बोल रहे हैं 1200 पुलिस, 1200 क्यों, हम यहां में 2000 पुलिस का प्रयोजन करेगा। आज से 2 साल पहले विश्व केतु ने एक वीडियो निकाला था, कौन सामने से बांग्लादेश से वो क्रॉस कर रहा है, वीडियो निकला है, इसका सुरक्षा कौन करेगा? ये जो ड्रग्स आता है बाहर से, ये ड्रग्स इतना आसानी से त्रिपुरा में कैसा आता है, ये नशा जो आता है कैसा आता है? आपको नहीं लगता कि यहां में पॉलिटिशियन लोग उसके साथ मिला है? आपको नहीं लगता कि नेता लोग मिला है? ये बाउंड्री जो खुला हुआ है इसको सील कौन करेगा? जिस दिन बिल्कुल मुबारक अब गवर्नमेंट आएगा उसी दिन ये सील होगा। बहुत चीज है जो सरकार बोलता नहीं, सब लोग बोलता है कि एबीसी में तो
मोथाजा सरकार, लेकिन असल में मोथा को तोड़ने के लिए क्या क्या डील किया गया है। हमारे एमबीसी को रुपया भेजा जाता है, फोन किया जाता है रात में, अरे तुम्हें मोथाए थकले कुछ हो ना, हमारे दोनों ज्वाइन करो टका पाओ जाए, ये करता है। हमारे सरकार को गिराने का क्या क्या नहीं किया गया कोशिश, लेकिन मैं जानता हूं जब तक पुपरासा एक है ना, कोई नेता मोथा छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपने मोथा को आशीर्वाद दिया है, ये आपका प्यार है। और विवाद्रा बोल रहा है हमको लीडर नहीं चाहिए, हमको कमिटमेंट चाहिए, हमको कमिटमेंट चाहिए कि हम लोग दिल्ली जाकर अपना पिपरासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आए। और जो भी दिल्ली बोलेगा राइटिंग में देना पड़ेगा, ये कागज हम अपना पिपरासा को दिखाएगा। अगर आपने बोला ठीक है तो ठीक है, आपने बोला ठीक नहीं है नहीं होगा। तो आप लोग रेडी हो जाओ, रेडी है कि नहीं, मिली लोग रेडी है कि नहीं? आप लोग को मालूम होना चाहिए ये पहला सरकार है इंडिया में एबीसी में जिसने बोला है कि कोई भी ब्लोइंग जिसका बच्चा होने वाला है उसको एक साल का लीव दिया जाएगा सैलरी के साथ। ये पूरा इंडिया में नहीं हुआ है, हमारा पीपा मोथा का सरकार ने किया है। पैसा जो भी है मैंने कमिटमेंट आज में अनिमेश से बात करूंगा, हमारे सीएम पुण्य चंद्रा से बात करूंगा, वो हम लोग का कुतुब है ना, और खरीद के अपने मोथा का अपने लड़की लोगों को अपने बुरे लोगों को देना पड़ेगा। ये आपको होना चाहिए, हम लोग का जो यूथ है, मैं चाहता हूं कि हम लोग का कॉर्पोरेट एक शेड्यूल में आए लेकिन इंग्लिश शेड्यूल में आए। ये लोग नहीं चाहता है कि हम लोग इंग्लिश सीखे, ये लोग चाहता है कि हम लोग पूछे का पूछे ही रहे, लेकिन हम लोग चाहता है कि हम लोग का पिपरासा लोग इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त करें। ये मेरा गारंटी है कि अगर हमको ग्रेटर पीपल लाइन मिला तो हम लोग एजुकेशन को अंग्रेजी में सिखाएगा। आज अगर नौकरी मिलना है तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है, हिंदी सीखना जरूरी है। अगर ये नेता लोग अपना बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, ये नेता लोग, ये एमएलए लोग, अपना मंत्री लोग अपना बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, और जब पिपरासा को पढ़ना होगा तो बोलता ना इंग्लिश एजुकेशन हो बिना बांग्ला एजुकेशन करो, क्यों समझो? ये हम लोग को नीचे रखना चाहता है, ये हम लोग को नीचे रखना चाहता है। इसके लिए मैं बोलता हूं चीनी सकला रोक से चीनी भविष्य चुन के मेरी पड़ा दुनिया, उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और हमारा पिपरासा लोग गांव में बिमारी मीडियम में पढ़ेगा कभी नहीं। और जो लोग मुबारक से पूछता है पिपरालैंड होगा ना, बीजेपी पावर में आने के पहले जनजाति मोर्चा ने बोला था स्टेट काउंसिल बनाएगा, स्टेट काउंसिल आज कहा है, जनजाति मोर्चा आज कहा है, वो कैसे मिले जो बोल रहा था कि हम लोग परिवर्तन लाएगा, आज क्या परिवर्तन आया है? आज सिर्फ एक ही परिवर्तन आया है, ये नेता का घर जो कमी में था जो गांव में था आज अगरतला में दो बिल्डिंग तीन बिल्डिंग हो गया, वही परिवर्तन आया। हम लोगों का पिपरासा का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए मैं बोलता हूं पूरा जाति उलो पाती, पूरा जाति उलो पाती, आप लोग यहां में बहुत आया है लेकिन सिर्फ भूपागरा का बात मत सुनो, आप लोग सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो
हम नमस्कार करते हैं राजा। दिल में हाथ रखो और सिर्फ 30 सेकंड के लिए सब चुप हो जाओ, आंख बंद करो और चुप हो जाओ और पीपरा लैंड के बारे सोचो। कैसा लगा? शांति मिला ना? शांति आया ना? शांति लगा ना? सिर्फ 30 सेकेंड पीपल के बारे सोचा, हाथ में दिल में हाथ रखकर शांति लगा। अगर आप लोग एक साल एक रहा ना तो ये जो आज आपने 30 सेकेंड के लिए किया पूरा जिंदगी आपका होगा। दिमाग रखो, ना एमएलए बनना है, ना मुख्यमंत्री बनना है, ना मंत्री बनना है या एमपी। दिमाग रखो, सिर्फ पैसा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट चाहिए। आप लोग मेरे संग रहो, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में बराबर का हिस्सेदार बनकर सब सब लोग के लिए बराबर बनकर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या सेंट्रल का कोई भी लीडर उनसे बात करूंगा। अगर उन्होंने राइटिंग में दिया तो हाँ, वरना 35 सीट्स में टिपरा मौत अपना कैंडिडेट देगा और हम लोग 2023 में विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, 2023 में पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि छोटा सा राज्य दुगुने वाला लोग ने पूरा इंडिया को दिखाया अगर धंसा हो सकता है तो सब कुछ मुमकिन है। नारायण हम राय और सब मेरे साथ एक आवाज में पीपरा से, पीपरा से बुरी लोग बोलो। आपका वोट से हम जीते हैं, 90% बुरी में मुकाबले को जरूरत किया मैं जानता हूं। बुरी लोग पहले बोलो पीपरा से, आपके बुरे नहीं आते हैं, फिर से जोर से पीपरा से और जोर से पीपरा से। अब अपना बुरा और सिकरा पीपरा से चकुल खड़े हैं पीपरा से। अब सब एक आवाज में, आप लोग वर्कर नहीं है, आप लोग वॉलंटियर नहीं है, आप लोग संतरा के हैं और हमारे यहाँ में जो सीएम जो एमडीसी है वो लोग सेनापति है और आप लोग संतरा के। एक आवाज में गुरु बुरा सिकरा सिकी सब फंसाओगे हम। धन्यवाद।